बिहार में गुरुवार को आए आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर देने की घोषणा की है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, बिहार के कई जिलों में आंधी एवं बिजली गिरने से घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु से अत्यंत दुख हुआ है। ईश्वर उनके परिवार को इस अपार दुख सहने की शक्ति दे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटा है। उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों में तेज आंधी एवं बिजली गिरने से हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण जिन लोगों ने अपनों को खोया है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद पहुँचाने के लिए तत्परता से लगा हुआ है। बिहार में आंधी तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान भागलपुर में हुआ है। यहां आकाशीय बिजली के कारण 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत की सूचना मिली है। दरअसल बिहार में गुरुवार को दोपहर अचानक से मौसम बदलने के बाद यहां बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो गई। इसके बाद कई जगहों पर पेड़ गिर गए और बिजली बाधित रही। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।